भारत देश देवी देवताओं की धरा है। वर्ष भर यहाँ पर मेलों और त्योहारों का सिलसिला चला रहता है। हिंदू वर्ष के अनुसार सावन का महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है और इस माह में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से साधक को निश्चित तौर पर मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। नाग पंचमी सावन मास का एक बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नागों को हमेशा एक विशेष स्थान दिया जाता है और उन्हें भगवान के रूप में भी पूजा जाता है। नाग पंचमी के इस शुभ दिन पर भक्त भगवान के रूप में नागों या सर्पों की पूजा करते हैं। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष सर्पदंश आदि से मुक्ति मिलती है और जीवन में आने वाली बाधाओं से भी छुटकारा मिलता है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष नागपंचमी 9 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। मान्यता है यदि नागपंचमी के दिन सपनों में आपको नाग नागिन का जोड़ा दिख जाए तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने वाली है। यह इस बात का भी संकेत है कि आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का भी अब शीघ्र ही अंत होने वाला है। नागपंचमी के दिन किसी भी मंदिर में शिवलिंग पर नाग बैठा हुआ देखना भी बेहद शुभ संकेत है। अब बात करते हैं कि इस दिन क्या करें और क्या ना करें। तो नागपंचमी के दिन लोहा खरीदने से परहेज किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें नकारात्मक ऊर्जा होती है।